दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोहिणी की सबसे खास बात क्या है? रोहिणी की कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पर इतने ज़्यादा रेट होते हैं और यहाँ पर जो प्लॉट है वो लोग खरीदते भी हैं और अपना दमखम भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर प्लॉट ले लिया जाए? पता है आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है इनके, ये जो रोहिणी की बसावट होती है, ये जो DDA ने कटिंग की है वो इस तरीके से की है कि 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी यहाँ पे चाहे कितनी भी पॉपुलेशन बस जाए, जो एरिया है वो खुला खुला ही लगेगा। लाख में 32 मीटर का प्लॉट मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो डायरेक्ट प्लॉट आया है वो फ्री होल्ड है और फ्री होल्ड के साथ साथ आपको रेट भी कम मिल रहा है, 24 लाख में मिल जाएगा। फुल एंड फाइनल प्राइस है, मैं बार्गेनिंग वाले प्राइस नहीं बताता हूं, तो इसलिए आपको 24 लाख में ये प्लॉट मिल जाएगा और फ्री होल्ड भी है, आपका इस पर लोन भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास वैल्यू है और आप इसको कहीं ना कहीं से अपना गणित बैठा के ले सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है कोशिश करिए कि ये प्लॉट आप ले लें, क्योंकि डेवलपमेंट कार्य देखिए 2-3 साल में पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर सेक्टर में काम कर रही है DDA और बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो काम पूरा होने के बाद तो आप भी जानते हैं कि रोहिणी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सनफेस प्लॉट है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं और अपना बजट बना सकते हैं तो आप जो है कि हमें कॉल कर लीजिए और हमसे बात कर लीजिए, आपका जो है कि हम ये प्लॉट करवा देंगे काम इसका, ठीक है? और फ्री होल्ड है, सबसे बड़ी बात है, लोन हो जाएगा बैंक से, तो कोई टेंशन नहीं। तो इस पॉकेट में दोस्तों हमारे पास यानी कि रोहिणी सेक्टर 29 के डी ब्लॉक में पॉकेट D3 में हमारे पास एक फ्री होल्ड प्लॉट है, तो वहाँ पर हम आ गए हैं। देखिए, ये जो अभी पॉकेट है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है और बस रोड बने हैं और सीवर लाइन बिछी है, बस दो ही काम अभी यहाँ पे हुए हैं और यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी आनी बाकी है। हालांकि आगे की तरफ मैंने देखा है, अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे, तो आप कुछ खंभे दिखाई दे रहे होंगे, यानी ये जो है कि डेवलपमेंट शुरू हो चुका है यहाँ भी। तो धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा और आप जानते हैं कि ये तो रोहिणी है भाई, आज यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब ये डेवलप पूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट यानी DDA जब इसे पूरा डेवलप कर देगा, तब इसका हिसाब किताब हमारी जेब से बिल्कुल बाहर हो जाएगा और तब हम सोचेंगे अरे यार काश उस समय ले लेते हैं। तो ये काश वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज का जो प्लॉट है वो फ्री होल्ड भी है और इसके साथ साथ जो है इसका प्राइस भी कम है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए ये जो 32 मीटर का प्लॉट है इसके प्राइस भी बिल्कुल कम है, ठीक है? और सन फेसिंग है सबसे बड़ी बात। तो चलिए आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं और ये जो पूरा एरिया है उसको देखते हैं। ये देख रहे दोस्तों, ये फ्री होल्ड करवाया हुआ प्लॉट है, बाद में ये ढांचा तोड़ के हटा दिया जाता है। ये देख लीजिए सामने जो सेक्टर 34 के फ्लैट्स हैं, LIG और MIG फ्लैट्स हैं, वो दिख रहे हैं आपको। इस तरफ दूर अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां आपको आती जाती दिख रही होंगी। ये जो एरिया है, वो बोर्ड भी दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं, ये एरिया है दोस्तों खेड़ा खुर्द वाली जो नहर है ना, इसी के इस तरफ जो है ये सेक्टर पड़ता है। एक तो उधर से हो गया और एक ये प्रशांत बिहार वाला रोड पड़ेगा। पूरा एरिया देख लीजिए पहले, और डेवलपमेंट काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, DDA के वहाँ पे काम चल रहा है। तो ये पॉकेट पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, चाहे 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, आपको पता ही है सारी चीज़ें, भाई DDA पूरा डेवलपमेंट करके देता है। अभी जंगल झाड़ी है, आगे भी दिखा देता हूँ आगे कैसे हैं। हाँ, और एक चीज़ और कि इस लाइन में आपको जो ये प्लॉट मिलने वाला ना दोस्तों, वो देखिए कहाँ पे है, अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो ये एंट्री रोड है, इधर से भी एंट्री है और पॉकेट के वहाँ पीछे से भी एंट्री है, ठीक है, जहाँ बोर्ड लग रहा है, जहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं अभी, यानी मेन रोड उधर है पीछे, अभी हम उधर से ही आए हैं, आपने देखा वीडियो में। अब देखिए इस 9 मीटर के रोड पे, जिस पे मैंने बाइक खड़ी कर रखी है, इस 9 मीटर के रोड पे यहाँ पे देखिए प्लॉट नंबर लिखा हुआ है। ऐसे प्लॉट नंबर लिखे रहते हैं, DDA के जितने प्लॉट्स होते हैं ना उन पे लिखा होता है। तो इस लाइन में है 1975 से 194 में, तो हमारे पास इसी लाइन में एक प्लॉट है, सन फेसिंग है और
सिंगल साइड है, ठीक है। यानी इसका जो है कि जो फेस है सन की तरफ है, आप देख भी सकते हैं धूप पड़ रही है, आपको इससे आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। और प्लॉट कहाँ है, तो अब बीच के जो पत्थर हैं इस पर इन्होंने डिमार्केशन नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, डिमार्केशन नहीं किया तो अंदाजे भी आप लगा सकते हैं। हालांकि मैंने भी अंदाज़ा लगाया है, फ्री होल्ड प्लॉट है तो सिंपल सी बात है, ईंटें उटें वहाँ पड़ी होंगी, ठीक है। ये ना एक पहचान होती है दोस्तों कि फ्री होल्ड प्लॉट हमें कैसे पहचानना है, तो वहाँ पे ईंट पत्थर पड़े होंगे क्योंकि उसे फ्री होल्ड कराया गया होगा, तो बनाया गया होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए ये वाला प्लॉट मुझे लग रहा है फ्री होल्ड प्लॉट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दीवार वाल बनाई गई है, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, इसे फ्री होल्ड कराया गया होगा बिल्कुल। लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैप पे देख के आपको बता सकते हैं, गिन के बता दूंगा मैप पे, ओके। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे काम भी चल रहा है, डीडी वाले काम कर रहे हैं, और इस तरफ से मैं भी आया था इधर पीछे से घूम के। तो दोस्तों अब जो है थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं कि जो डेवलपमेंट कार्य है इस पॉकेट में डीडीए के द्वारा वो कहाँ तक है और वो कहाँ तक पहुँच चुका है और कैसे चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो काम तो चल ही रहा है, डीडीए की तरफ से बहुत तेज़ी से चल रहा है। फुटपाथ पे जो प्लांटेशन है इसका काम जो है कि शुरू हो गया है, ठीक है। और मैं जो है कि आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे खंभे भी लगने शुरू हो गए हैं, इधर देखिए टॉपिक पे आते हैं कि 30 मीटर का ये रोड है और 30 मीटर के रोड से ये जो है कि 9 मीटर की एंट्री है ये वाली, ठीक है। 30 मीटर का ये रोड है ये वाला, देखिए जहाँ से पुलिस की वैन घूम रही है ना, घूम गई है रोड पे, तो ये जो है 30 मीटर का रोड है और 30 मीटर के रोड से ये 30 मीटर का रोड आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बसावट है, MIG फ्लैट है और ये HIG फ्लैट है, HIG फ्लैट है, ठीक है। और उसके बाद उधर देखिए उधर भी बसावट है, इधर LIG फ्लैट है, D3 के सामने ही LIG फ्लैट आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे जो बन रहे हैं ना, और यहाँ पे बसावट है ऑलरेडी, तो ये LIG फ्लैटों में बसावट है पहले से ही। सॉरी हाथ आ गया था, पीछे ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ ड्यूल कैमरा चल रहा है ना अभी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इस रोड से एंट्री है, ये 12 मीटर का रोड है और 12 मीटर के रोड से ये सारे जो हैं आपके 9 मीटर के और 12 मीटर के रोड गए हुए हैं। तो अंदर वाले 9 मीटर के हैं और जो मेन रोड ऐसे कट रहे हैं वो 12 मीटर के हैं। और बेहतर समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि भाई आपको समझ नहीं आता है और आप घूमने यहाँ पर आए, कभी विजिट करने आए, तो एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए ये मैप होता है और मेरे हिसाब से मैप आपको समझ में आ जाता होगा, ये थोड़ा पुराना मैप है, पेंट से बनाया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं हम जो अभी खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्त, हम यहाँ पर खड़े हैं अभी, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ या यहाँ, यहाँ पे खड़े हैं हम अभी, और कोई रोड नहीं है, ये वाला रोड है, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लेआउट प्लान ऑफ साइड रेजिडेंशियल पॉकेट D3 सेक्टर 29 का है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए यहाँ खंभे भी लगने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे प्लांटेशन भी शुरू हो गया है, रोड और नालियाँ तो बनी हुई, सीवर लाइन पहले से ही है, तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और सरकार यानी DDA जो है सब कुछ डेवलप करके यहाँ देने वाली है आपको, तो उस लिहाज से ये पॉकेट अभी आपको ज़रूर सुनसान लग सकता है, जंगल लग सकता है, लेकिन DDA देखो इसमें जंगल को साफ़ कर रही है, साफ़ करने के बाद यहाँ जुताई होगी दोबारा से, इसको लेबल किया जाएगा वापस, और डेवलपमेंट काम ये पूरा होने के बाद, यकीन मानिए दोस्तों, डेवलपमेंट काम पूरा होने के बाद जो है इसकी जो वैल्यू है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो यही वो समय है कि हम ऐसे प्लॉट्स खरीद लें जिनके प्राइस कम हो और 2-3 साल डेवलपमेंट के बाद इनके जो प्राइस हैं वो हमें जो है कुछ देखे जाएं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो जो है मैं यहीं पर अब समाप्त करूंगा, और आप लोगों का प्यार मिलता है क्योंकि शूटिंग करता रहता हूँ फिर भी कॉल आती रहती है, अब तो क्योंकि मोबाइल दूसरा ले लिया है तो शूटिंग के लिए अलग है और कॉल के लिए अलग। तो अब आप ये सोचिए कि आप तब भी कॉल कर रहे हैं, दिन भर कॉल आती है मुझे और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग इतनी इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो ये चीज़ मेरे दिल को छूती है। और यही कारण है कि ऐसे एरिया में भी आके हम वीडियो बनाते हैं और आपको यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो फ्यूचर प्लान है और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी भाई बंधु को कोई प्लॉट चाहिए तो आप जो है जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पे जो है कि कॉल करके पूछ सकते हैं और उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि रोहिणी की सबसे खास बात क्या है, रोहिणी की कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पर इतने ज़्यादा रेट होते हैं और यहाँ पर जो प्लॉट है वो लोग खरीदते भी हैं और अपना दमखम भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर प्लॉट ले लिया जाए, पता है आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है इनके ये जो रोहिणी की बसावट होती है, ये जो DDA ने कटिंग की है वो इस तरीके से की है कि 20 साल 50 साल 100 साल बाद भी यहाँ पे चाहे कितनी भी पॉपुलेशन बस जाए जो एरिया है वो खुला खुला ही लगेगा,
आपको कभी भी कंजेस्टेड नहीं लगेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे बोर्ड लग रहा है और क्या लिखा हुआ है, आप सोचो ग्रीन एरिया कितना मिलता है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे आंखों पे धूप आ रही तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा के सारा ग्रीन एरिया, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पार्क आपको मिलेगा कॉलोनी में, तो यहाँ पर इतने बड़े पार्क में इतनी जगह में तो कॉलोनी में कम से कम 1000 घर बन जाते हैं। सोचिए आप, कम से कम एक एकड़ में तो पार्क ही है, एक किले दो किले में, किला ही समझते हैं ना यहाँ पे ज़्यादातर लोग। तो ये पूरा की पूरा ग्रीन एरिया देखिए, मेन रोड के साथ पहले पूरा पार्क मिल रहा है, फिर उसके साथ एक ग्रीन पट्टी मिलेगी आपको रोड के साथ, और यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि आपको हर हर पॉकेट में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो पब्लिक यूज के लिए होगी, ठीक है, भूमि का प्रयोग, यूटिलिटी फैसिलिटी, ठीक है, तो ये भी यूटिलिटी है। अभी यहाँ पॉकेट अभी शुरू हुई है और यूटिलिटी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ सामने आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, स्टोन लगे हुए, ये सारे प्लॉट के स्टोन्स हैं, ठीक है। बीच में भी एक रोड है अभी साइड से, यहाँ से इसके सामने से आपको जो रोड मिलता है, रोड में आप देखते हैं एक तो होता है ये मेन व्हीकल्स के लिए, और दूसरी ये पट्टी बनाई जाती है वॉकिंग, ये जो ट्रैक बनाया जाता है दौड़ने के लिए चाहे साइकिल वालों के लिए, ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए। और उसके बाद ग्रीन एरिया होता है, यानी कि इस साइड में इस तरफ जो अगर आप देखेंगे तो इधर से ग्रीन एरिया होता है पॉकेट के चारों तरफ। तो आप जब रहने लग जाते हैं तो आपको जो माहौल है, जो वातावरण है, या फिर यूँ कहें कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो बिल्कुल ह्यूमन फ्रेंडली होता है और हम एक अच्छे माहौल में रह पाते हैं। नहीं तो कॉलोनी में आप जानते ही हैं क्या कैसे कैसे, बस ये है कि भाई अगर उतनी वेल्थ नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, कहीं से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो शुरुआत में कॉलोनी में रहने में कोई बुराई नहीं है, जिसकी चादर है उतना ही पाँव फैलाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इस पॉकेट में क्योंकि एक सस्ता प्लॉट है, फ्री होल्ड प्लॉट है, तो इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हों।